सबसे पहली चीज मुझे पता नहीं पबजी बैन क्यों हुआ था। पबजी हम लोग खेल रहे थे उस दिन, डायरेक्ट ऐसा आया न्यूज़ में अगले दिन से पबजी बैन है। हम लोग सब शॉक हो गए थे कि भाई क्या हो गया सीन। ऐसा बोला कि चाइनीज ऐप वगैरह किया है, तो हम लोग लगा कि आ जाएगा पबजी 2-3 महीने में, क्योंकि यस पबजी इज द बिगेस्ट गेम फॉर इंडिया, दैट्स अ फैक्ट, कोई चेंज नहीं करता। पबजी इंडिया का सबसे बड़ा गेम है, आई एम टेलिंग ऑन द फेस, नॉट इवन कॉल ऑफ ड्यूटी, नॉट इवन फ्री फायर, नॉट इवन वैलोरेंट, नो वन कम्स नियर द क्रेज ऑफ पबजी। इसमें ऐसा नहीं कि फ्री फायर की ऑडियंस बड़ी नहीं है, फ्री फायर की ऑडियंस पबजी से बहुत बड़ी है, बट जो क्रेज है ना वो बहुत बड़ा है पबजी का। लाइक तो कैसे बता मैं क्यों नहीं है फ्री फायर का क्रेज, मतलब वो जो ई स्पोर्ट्स वाला जो कॉम्पिटिटिवनेस फ्री फायर में, क्योंकि मैंने कभी इतना फ्री फायर का वो बोलते हैं जो एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो नहीं फॉलो किया। बट पबजी का ऐसा है कि लोगों ने देखा इंडियन टीम्स को स्ट्रगल करते हुए, स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचने के लिए, समझ रहे हो। लोगों ने एक टाइम पे हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते थे, और क्वालिफाई नहीं होने के बाद लोगों ने स्ट्रगल देखा हम लोग कहाँ तक पहुँचे, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड कर लेता है। अभी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन हर टाइम आपको जब भी देता हूँ या कोई एग्जाम्पल देता हूँ तो रोनाल्डो से मैं कंपेयर करके देता हूँ, क्योंकि मैं रोनाल्डो को देखा हूँ स्पोर्टिंग टाइम से, स्पोर्टिंग से अभी इवेंटस तक सब देखा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि भाई क्या स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल है, कहाँ डाउनफॉल था, कहाँ अपराइजिंग था, मतलब सब सब चीज़ देखा है। वैसे ही पूरी इंडियन ऑडियंस ने पबजी की स्पोर्ट्स टीम्स को